गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अंकिता और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक फर्स्ट ट्राई का हॉल। जी हाँ, फर्स्ट ट्राई का हॉल जो मैं पहले भी वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ। यहाँ इस वीडियो में मैं बेबीज नाइट सूट आपको दिखाऊंगी जो मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, लेकिन वो अलग थे। नाइट सूट मैंने फिर से नाइट सूट ऑर्डर करे और ये नाइट सूट अलग थे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, मैंने ये पार्सल मंगाया है फर्स्ट क्लास से जो मुझे आज रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज ही वीडियो बना ले और आप लोग के साथ शेयर किया जाए कि मुझे ये कौन सी ब्रांड का कितने में पड़ा और मैंने क्या साइज मंगाई है। तो ओपन करते हैं इस पार्सल को। तो गाइस, हम पहला पार्सल ओपन करते हैं। ये मैंने अपने दीदी के बेटे के लिए ये पजामा मंगाया है उसके लिए। सो मैं साइज चेक करना चाह रही थी कि क्या फर्स्ट क्राई में इन बच्चों के लिए साइज अवेलेबल होता है। वैसे तो वो 6 ईयर्स का है, लेकिन मैंने एक दो बार मंगाया तो उसके लिए साइज प्रॉपर नहीं आई। मैंने ये पजामा मंगाया उसके लिए और मैंने मंगाया है ये 11 to 12, जो मुझे लग रहा है वो कि उसके लिए बहुत बड़ा है। मुझे एक साइज और छोटा मंगाना चाहिए उसके लिए। मैं छोटा ही मंगा रही थी, पर मैंने पहले मंगाया तो वो छोटा निकला, तो मैंने एक साइज बड़ी मंगाई तो ये बड़ा निकल गया। देखा जाए प्रोडक्ट के बारे में तो पजामा बहुत अच्छा है। मैं एक ही साइज मंगा के देख रही थी, मुझे और मंगाने थे, लेकिन मैंने सोचा पहले एक साइज कन्फर्म करती हूँ कि उसको कौन सा साइज आएगा, फिर ही नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगाऊंगी। ये प्रोडक्ट, सॉरी मुझे जाना पड़ा, मेरा बेबी उठ गया था। तो ये पजामा मैंने मंगाया है मेरे दीदी के बेटे के लिए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं भूल गई थी मैं कहाँ तक बोल चुकी हूँ। ये पजामा मैंने मेरे दीदी के लिए बेटे के लिए मंगाया है, वो है 7 ईयर्स का, लेकिन मैंने 11 to 12 ईयर्स का मंगा लिया है। गलती से बड़ा आ चुका है और ये इसकी MRP है 699, लेकिन ये मुझे 455 का पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट। ये मुझे ये पजामा क्वालिटी अच्छी है इसकी, थोड़ा सा मोटा है, समर के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। विंटर्स में आप पहना सकते हो, लेकिन समर के अकॉर्डिंग थोड़ा मुझे कम लगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। और ये मैंने मंगाए हैं नाइट सूट। ये मैंने मंगाए हैं 5 5 5 नाइट सूट। पहले मैंने 5 मंगाए थे, अब मैंने फिर से 5 मंगा लिए, क्योंकि ग्रोइंग एज है ना सारा। उसके पास पहले विंटर्स था, विंटर्स के बाद अब समर आ गया उससे, और जो पिछला समर था वो छोटा हो गया। मुझे सारा नया ही चाहिए था उसके लिए। मैंने ये मंगाया। फोन आ रहा था किसी का, कोई बात नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट प्रोडक्ट से। ये जितने भी नाइट सूट मैंने मंगाए हैं ये सब 250 के हैं। सारे ही मुझे 250 में पड़े हैं आफ्टर डिस्काउंट। फर्स्ट नाइट सूट मेरा है पीच कलर का, जो कि मुझे लग रहा है कि मैंने गर्ल्स का मंगा दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़कियों का है, क्योंकि ना ये जो होता है ना, ये सिर्फ गर्ल्स के टॉप पे होता है, बॉय के इनमें नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये गर्ल्स में से मंगा दिया है। कलर तो बुरा नहीं है, लेकिन जो पैटर्न है ना उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने गर्ल्स का मंगा दिया है। और पजामा देखिए कुछ इस तरह है इसका, इसमें छोटे छोटे क्रैब्स बने हुए हैं पिंक कलर के। इस तरह का इसका पजामा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये गर्ल्स का मैंने मंगा दिया है तो मुझे चेंज कराना पड़ेगा, तो मैं इसको रिटर्न में डालूंगी। मेरा वो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा गर्ल का नहीं हो, चेंज नहीं कराना, मुझे ज़्यादा चेंज कराना पसंद नहीं है। होप करती हूँ कि ये उसको एकदम सही साइज में रहे और ज़्यादा चेंज भी ना कराना पड़े। मेरा है सेकंड प्रोडक्ट, ये बेबी पिंक कलर का है और ये गर्ल का नहीं है। बेबी पिंक कहते हैं गर्ल का होता है, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा कलर से कोई इशू नहीं है। हाँ, वो पैटर्न यहाँ पे दिखता है ना, वो मुझे खराब लगता है, इसलिए मैंने बोला था गर्ल का है। बाकी मुझे कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लू एंड पिंक सब बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों में तो क्या,
बच्चों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बच्चे तो सारे कलर पहनते हैं। सो सेकंड प्रोडक्ट मेरा ये है, बेबी पिंक कलर का प्रोडक्ट है, इसकी बेबी हक का ये प्रोडक्ट है। 3-4 मैंने साइज मंगाया है और इसकी MRP है 599 यानी 600 रुपीज़, जो कि मुझे पड़ा है ये प्रोडक्ट 250 रुपीज़ का प्रोडक्ट मुझे पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट। सो सेकेंड प्रोडक्ट मेरा ये है। थर्ड भी मेरा नाइट सूट है। सारे जैसे मैंने आपको बताया है समर के अकॉर्डिंग मैंने नाइट सूट मंगाया है, मैंने शॉर्ट्स वाले नहीं मंगाए हैं क्योंकि मैं शॉर्ट्स वाले मैं थोड़ा कम पहनाती हूँ, मुझे लगता है पैर काले पड़ जाते हैं बच्चों के। सो मैंने शॉर्ट्स वाले नहीं मंगाए, मैंने हाफ स्लीव्स और पजामे मंगाए हैं सारे। सो मेरा थर्ड प्रोडक्ट ये है, ये भी बेबी हक का प्रोडक्ट है और इसकी MRP है 599। सेम ये मुझे 250 में पड़ा है, पजामा एंड टी शर्ट, हाफ स्लीव टी शर्ट एंड फुल लेंथ पजामा 250 रुपीज़ में मुझे पड़ा है। फोर्थ और फिफ्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ कर दी है मैंने, दोनों ही ब्लू कलर के मंगा लिए। वो डार्क ब्लू है तो चलो चल जाता है, लेकिन ये तो दोनों ही ब्लू है। देखती हूँ कौन सा चेंज कराऊंगी या फिर नहीं भी कराऊँ, क्या फर्क पड़ता है, दो ब्लू और भी अंदर पड़े होंगे ब्लू कितने। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये है, स्काई ब्लू कलर का इसमें मेरा प्रोडक्ट है, इसमें लिखा है डीनो पावर, ये लिखा है स्काई ब्लू कलर का। सेम मेरा पजामा है फुल लेंथ का, आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बैट और ये डायनासोर, क्रेन, ट्रक और ये सब बने हुए, स्टार और ये सब बने हुए इस एक पजामे में, ये सारी प्रिंट्स है। तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसकी MRP भी 599 है जो मुझे 250 में पड़ा है। मेरा फिफ्थ प्रोडक्ट जो कि है स्काई ब्लू वापस से, तो मैं खोल के बताती हूँ। बहुत अच्छा प्रिंट है, उससे अच्छा लगा मुझे ये प्रिंट, सो मैं सोच रही हूँ कि वो चेंज करा लूंगी। तो ये भी स्काई ब्लू, इसमें ट्रेन बनी है, कार बनी है, टेडी बियर्स और इस तरह का प्रिंट है, प्यारा सा प्रिंट है। बेबी हक का ये प्रोडक्ट है, 599 का MRP है जो मुझे 250 में पड़ा, सेम पजामा सेम प्रिंट का। सो ये 5-6 नाइट सूट मैंने फर्स्ट ट्राई से मंगाए हैं, ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है जैसा कि आप लोग सब जानते हैं या मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। सो ये मेरा नया चैनल है, तो मैं अभी तक कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं करी हूँ, सिर्फ मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को तक पहुँचा रही हूँ कि मुझे किस रेट में क्या चीज़ें पड़ी हैं। सो यही सब वीडियोस मैं बना रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे बहुत ग्रो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।